सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका बायोजोन्स में। और आज हम वापस से बायो मिमिक्री में केस स्टडी पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने बायो मिमिक्री के सीरीज़ में डेफिनेशन ऑफ बायो मिमिक्री और किस तरह से नेचर बायो मिमिक्री को देखता है या बायो मिमिक्री नेचर को देखती है, उसके बाद हमने केस स्टडी पे बात करना शुरू किया। हमने अलग अलग कहानियाँ सुनी, कही, देखी, किस तरह से नेचर से इंस्पायर होकर हमने इन्वेंशन आइडियाज़ लिया नेचर से और इन्वेंट किए कुछ चीज़ों को, जिसमें सबसे पहले हमने बात किया था बुलेट ट्रेन का, उसके बाद हमने वेलक्रो की बात करी, हमने फिर एरोप्लेन की बात करी, फ्लाइट की बात करी, और आज हम वापस से बात करेंगे ऐसे ही केस स्टडी पे। तो शुरू कर देते हैं। तो आज का जो बायोलॉजिकल मुद्दा है, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज का जो बायोलॉजिकल मुद्दा है वह है बॉक्स फिश पर। सर, ये क्या लिखा है? मर्सिडीज बेंज। तो ये मर्सिडीज बेंज लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पर किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ या किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है मर्सिडीज बेंज पर। कितने सही सही केस स्टडीज आने लगी है। कल हमने फ्लाइट के बारे में बात किया, एयर इंडिया और इनका सबका, और आज हम मर्सिडीज बेंज की बात कर रहे हैं। बढ़िया है। अच्छा, बॉक्स फिश से किस तरह से हम इंस्पायर हुए और किस तरह से मर्सिडीज जो बेंज है उन्होंने बायोनिक करके एक कार बनाया। तो जो बॉक्स फिश है उसका यहाँ पर साइंटिफिक नाम भी लिखा हुआ है, वो क्या रहती है? शेलो कोरल रीफ्स में रहती है, ठीक है। और उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो फिशेस की तरह नहीं होता, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो फिशेस की तरह नहीं होता, वो एक बॉक्स की तरह होता है। अच्छा सर, जब भी बॉक्स फिश बोला, हाँ ये जैसे मिठाई का बॉक्स रहता है ना, देखो जैसे सोन पपड़ी का बॉक्स रहता है, उस तरह से दिख रही है यहाँ पर। ये देखो, ये बॉक्स फिश ही है। देखो मतलब एक तरह से ये देखो किस तरह से स्क्वायर टाइप, और कह सकते हैं जैसे ये कह सकते हो चारों साइड बराबर उसके, इस तरह से ये देखो, ये इसकी आईज है, ठीक है। और पाइनएप्पल जैसे नहीं लग रहे हैं? देखो ये पाइनएप्पल जैसा लग रहा है, बट ये पाइनएप्पल नहीं है, ये फिश है, ठीक है, बॉक्स की तरह है, और इसको बॉक्स फिश बोलते हैं। तो यह क्या करती है, जब ये बॉक्स फिश चलती है ना, ठीक है, ये जब हाइड्रो जैसे अपन एरोडायनामिक कहते हैं वैसे हाइड्रोडायनामिक होता है, मतलब पानी के अंदर, अंडर द वाटर हम उसको हाइड्रोडायनामिक कहते हैं। तो ये ना जो रिजिडिटी है इसके शेप के कारण, जो रिजिडिटी है पानी के कॉन्टेक्ट में, वो काफ़ी कम होती है, जिसके कारण ये आसानी से तैरती है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। लो ड्रैग कॉफिशियंट टू द फिश ड्यू टू द शेप एंड रिजिडिटी ऑफ फिश। अब जब ये जा रही है, इसको एफिशिएंसी अच्छी है इसकी, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे रिजिडिटी कम है, पानी के इसमें कांटेक्ट में वो, हालांकि पानी के अंदर है तो कांटेक्ट में तो आएगी, बट किस तरह से पानी को काटती है, किस तरह से हाइड्रोडायनेमिक है वो, उस बेसिस पे उससे इंस्पायर होके मर्सिडीज ने, हमने नहीं, मर्सिडीज ने कार बनाई, मर्सिडीज बेंच बायोनिक, ठीक है। तो द मर्सिडीज बेंच बायोनिक वाज द कॉन्सेप्ट कार क्रिएटेड बाय डाइमलर क्रिसलर, जो भी नाम है पढ़ने में प्रोनाउंस आगे पीछे हो सकता है, इन द शेप ऑफ बॉक्स फिश। कार को एक बॉक्स फिश की तरह बनाया। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो एकदम पूरा नहीं बट थोड़ा बहुत, ठीक है, ये बॉक्स फिश। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि सर नाव भी बना देते, ये भी पानी में, नाव भी पानी में, हो सकता है बना भी सकते हैं, बट ये कार अभी ज़्यादा तो अभी कार ही यूज़ आ रहा है। तो उसको मतलब फिश से इंस्पायर होके उन्होंने कार बनाया, मर्सिडीज कार। देखो ये, देखो ये फिश, ये उसका एग्जोस्केलेटन, ये एग्जोस्केलेटन में किस तरह से उसको शेप दिया है कार का, एंड आखिरी में ये कार बन गई। इट इज, अब ये कार बनी तो ये काम क्या करती है, ठीक है, कार तो बहुत सारी है तो सब एक जैसे, सॉरी, सब एक जैसा ही काम करती होगी? नहीं, ये फ्यूल इफिशियंट है। आज का जो पेट्रोल का भाव है या डीजल का भाव है इंडिया में, हर बंदा ये चाहता है कि ये फ्यूल इफिशियंट हो, ठीक है, और लाइटर वेट है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि अपने को कार के नीचे चलना है तो उठा के चलना है कार को, बट लाइट वेट होने के कारण क्या होता है, वो चलने की कैपेसिटी, जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है, ड्रैग मोमेंट कम होगा एयर के साथ, ठीक है, और एरोडायनामिक एक तरह से बोल सकते हैं उसको, शेप उस तरह से, तो वेरी फ्यूल इफिशियंट एंड लाइट वेट।
तो इस तरह से कहाँ बॉक्स फिश से इंस्पायर होकर मर्सिडीज बेंज ने बायोनिक कार बना दी, और ये एक बायो मिमिक्री प्रोसेस है, ठीक है। हमने नेचर को उठाया, नेचर से हमने बॉक्स फिश को उठाया और हमने बना दिया, एक इन्वेंट कर दिया एक बायोनिक कार। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस स्टडी ऑफ बॉक्स फिश एंड मर्सिडीज बेंज बायोनिक। लेक्चर अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो, केस स्टडी अच्छी लगी हो, तो बस वही करना है जो हमेशा करते हो, नहीं हमेशा लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, इस बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।